किसान भाइयों नमस्कार, मैं इसके त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खगौल में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको मिर्च में लगने वाले एक प्रमुख कीट सफ़ेद मक्की के बारे में बताऊंगा कि सफ़ेद मक्की किस तरह से नुकसान करती है और उसका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाई, सफ़ेद मक्खी सफ़ेद रंग की एक छोटी मक्खी होती है जो इसके शिशु एवं प्रौढ़ पौधों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। साथ ही सफ़ेद मक्खी मिर्च में लगने वाले एक प्रमुख रोग लीफ कर्ल वायरस की वाहक भी है। ये रोगग्रस्त पौधों से सुस्त पौधों में वायरस को संचरण करती है, फैलाती है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए पायरी प्रोक्सीफेन 10% ईसी 200 ml प्रति एकड़ 120 लीटर पानी घोल का छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद मक्खी का आप नियंत्रण कर पाएंगे। साथ ही एक और कीटनाशक है फेन प्रो प्रेथ्रिन 30% ईसी 100 से 136 ml प्रति एकड़ 300 से 400 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो आप तो भी आपके सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण होगा। इसमें ध्यान देने की एक बात है किसान भाइयों कि मैंने जो दो कीटनाशक बताएं उनका अदल बदल कर 14 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। कभी भी एक ही कीटनाशक का लगातार छिड़काव नहीं करें, अदल बदल के कीटनाशकों का छिड़काव करें। बहुत बहुत धन्यवाद।